हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे 15 फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्विज़ के क्वेश्चन करवाऊंगा। 21 क्वेश्चन है आज क्विज़ के, और सारे के सारे 21 क्वेश्चन लिए गए हैं नाबार्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो पिछले हफ्ते हुआ था नाबार्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम, उसके हूबहू क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मुझे कई बच्चों ने भेजे थे। तो आइए अभ्यास करते हैं। एक भी क्वेश्चन आज मेरा खुद का नहीं है, सारे एग्ज़ाम के। कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन डिक्लेयर किया गया और 4 स्टार भी दिए गए थे खाद्य नियामक FSSAI के द्वारा, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन किसे डिक्लेयर किया गया था? वॉल्ट ऑफ विष्णु ये किताब किसने लिखी है? बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है। वॉल्ट ऑफ विष्णु किताब किसने लिखी है? विष्णु की तिजोरी। भारत के किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने ये योजना शुरू करी? मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलित था भारत में? सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन भारत का कौन सा था? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, और इनकी पार्टी का नाम भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए लिख के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है और उनकी पार्टी का क्या नाम है। भारत के किस राज्य में आपको मिलेगी श्रावती नदी? श्रावती नदी। कुचिपुड़ी डांस ये कौन से स्टेट का डांस है? कुचिपुड़ी डांस। अवंती मेगा फूड पार्क ये कौन से राज्य में खुला है अभी? अवंती मेगा फूड पार्क। भारत के किस राज्य में कोणार्क महोत्सव मनाया जाता है? काफी फेमस फेस्टिवल है कोणार्क फेस्टिवल। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है और कहां पे है ये भी बताइए, कौन से टापू पे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पे है? भारत के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है? कंज्यूमर अफेयर उपभोक्ता जो मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? खाद्य सुरक्षा के भी यही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भी यही है, इनका नाम क्या है और ये कौन सी पार्टी है? रामोन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है? कौन सा देश है जो रामोन मैग्सेसे पुरस्कार देता है? इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उनमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला और कौन से फिल्म के लिए मिला ये भी बताइए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? टेलीकॉम कंपनी MTNL इसका विलय कौन सी कंपनी के साथ होगा? MTNL मर्ज होगी कौन सी कंपनी के साथ? मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज ये भारत और कौन से कंट्री के बीच में हुई? मित्र शक्ति। सांची स्तूपा का फोटो कौन से नोट के पीछे छपा होता है? जो नोट होता है उसका जो बैक साइड होता है, रिवर्स साइड, दो साइड होते हैं, ऑबवर्स यानी फ्रंट और रिवर्स यानी बैक, तो बैक साइड पे सांची स्तूपा कौन से नोट के ऊपर छपा होता है? सुनील छत्री ये कौन सा खेल खेलते हैं? सुनील छत्री। भारत की जो नौसेना है उसके प्रमुख कौन है? नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? और रामगंगा बांध ये कौन से राज्य में है? रामगंगा परियोजना। तो चलिए अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूं। जिस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार मिले और ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला पहला, वो है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। और मुंबई सेंट्रल की आपको एक बात बता दूं कि ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन था जिसको फ्री वाईफाई दिया गया था, वो भी था मुंबई सेंट्रल। और खाद्य नियामक जो है FSSAI इसके चेयरमैन हैं, इसकी महिला हैं रीता टियोटिया। तो रीता टियोटिया जो हैं वो FSSAI की चेयरमैन है। खाद्य नियामक। विष्णु की तिजोरी ये किताब लिखी है अश्विन संघी। मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना ये दिल्ली सरकार ने शुरू करी, इसमें जो हाथ से मैला ढोना है उसको खत्म करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। जिस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चला, वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला था जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलित था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। श्रावती नदी आपको मिलेगी
कर्नाटक में। और ये नदी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जॉग फॉल है, जो जॉग फॉल भारत के सबसे ऊंचे फॉल्स में आता है, जलप्रपात में आता है, वो श्रावती नदी पे है। जिले का नाम है शिमोगा। कुचिपुड़ी जो डांस है ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। अवंती मेगा फूड पार्क जो है ये देवास में खुला है, और देवास है मध्य प्रदेश, तो आंसर है मध्य प्रदेश। कोणार्क जो मंदिर है पुरी उड़ीसा में है, तो आंसर है उड़ीसा। इंडोनेशिया की राजधानी जिस द्वीप पर है वो है बोर्नियो, और राजधानी का नाम है पूर्वी कालीमंतन, तो आंसर है पूर्वी कालीमंतन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। कंज्यूमर अफेयर मंत्री हैं रामविलास पासवान, और इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, LJP, लोक जनशक्ति पार्टी। अब इनके बेटे चिराग पासवान वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। रामोन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रामोन मैग्सेसे, जिनके नाम पे ये पुरस्कार रखा गया है। पिछले साल रवीश कुमार को मिला था। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश, जिस फिल्म के लिए मिला है, फिल्म का नाम है महानती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। टेलीकॉम कंपनी MTNL ये मर्ज हो जाएगी BSNL के साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच का युद्धाभ्यास है, तो आंसर है श्रीलंका। सांची स्तूप जो है 200 रुपए के नोट के पीछे होता है, 200 रुपी नोट। सुनील छत्री फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। रामगंगा बांध आपको मिलेगा उत्तराखंड। तो ये एक एक्चुअल एग्जाम लेवल का पेपर था। अगर आप मेरे डेली क्विज कर रहे हैं तो मेरे को लगता है आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन 21 क्वेश्चन थे, अगर आपके 17 में से कम आए हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पेपर मुझे बहुत आसान लगा। शायद कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो मे बी रामगंगा डैम शायद टफ था, उसके अलावा अगर आप बाकी क्वेश्चन देखें कोई भी ऐसा नहीं था जो आप वन गो में नहीं कर सकते, बहुत ही आसान लगा मुझे पर्सनली। चलिए अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। जो भी आपने अभी पेपर दिए हैं, अगर आप चाहते हैं मैं उनको डिस्कस करूं तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उनको डिस्कस जरूर करूंगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के पहले चरण का उद्घाटन करा। ये लाइन कितने किलोमीटर लंबी है? देखो, भारत में सबसे पहला शहर कौन सा था जहां पे मेट्रो स्टार्ट हुई थी? वो था कोलकाता। कोलकाता में मेट्रो 1984 में स्टार्ट हो गई थी, याद रखिए कोलकाता में 1984 में स्टार्ट हो गई थी मेट्रो, सबसे पहला था। अब कोलकाता में दूसरी मेट्रो बन रही है, इसको नाम दिया गया है ईस्ट वेस्ट मेट्रो। ईस्ट वेस्ट मेट्रो की लंबाई है, टोटल लंबाई बता रहा हूँ आपको, जो बनेगी टोटल 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, और इसका अभी पहला चरण का उद्घाटन हुआ है जो था 5.3 किलोमीटर। हालांकि इसका उद्घाटन रेल मंत्री ने करा है, पर आपको बता दूं मेट्रो जो होती है वो रेल मंत्रालय के अधीन नहीं आती, वो आती है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी याद रखिए। और ये मेट्रो जो बन रही है नई 16.5 किलोमीटर की कोलकाता में, ये किसको किसे जोड़ेगी? ये जोड़ेगी हावड़ा को सॉल्ट लेक सिटी से, और हावड़ा और सॉल्ट लेक सिटी ये दोनों हुगली नदी के किनारे हैं। हावड़ा जो है वो हुगली के पश्चिम पे है, और सॉल्ट लेक सिटी हुगली नदी के पूर्वी तट पे है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेगी ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन। वैज्ञानिकों ने जो धरती है, हमारा जो सौरमंडल है, उसके सबसे नजदीक एक बेबी विशाल ग्रह की खोज करी है, बेबी जायंट प्लैनेट, आपको इंग्लिश में याद रखना है बेबी जायंट प्लैनेट। इसका नाम रखा है 2 मास 1155 7919 बी। ये ग्रह जो नया खोजा गया है पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पे है? ये पृथ्वी से 330 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, 330। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो प्रकाश वर्ष होता है तो एक पारसेक में, एक इकाई होती है नापने की डिस्टेंस को पारसेक, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? और ये जो खोजा गया है नया ग्रह, ये किसने खोजा है?
एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके वैज्ञानिकों ने खोजा है। रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने खोजा है ये। और ये जो प्लैनेट है, ये ऐसा माना जा रहा है कि जुपिटर के भी 10 गुना बड़ा हो सकता है। ठीक है, जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, बृहस्पति ग्रह, उसके भी 10 गुना बड़ा हो सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाने और जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करेगा? राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन भारत के 2 मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। एक तो है महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मंत्री है स्मृति ईरानी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, और कपड़ा मंत्री भी यही है। और दूसरा मंत्रालय जो है वो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पंजाब में बठिंडा। ये फेस्टिवल, ये महोत्सव, राष्ट्रीय जैविक महोत्सव हो रहा है, नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल, नई दिल्ली में। तो आंसर है नई दिल्ली। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि भारत में जो जैविक खेती है, जैविक उत्पाद, उसकी मार्केट 75,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए 2025 तक। ठीक है, हमारा टारगेट है भारत में जो ऑर्गेनिक मार्केट है वो 75,000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए 2025 तक। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? क्रिकेट निदेशक यूएई के बने हैं रॉबिन सिंह। भारत के खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे रॉबिन सिंह, इन्होंने भारत के लिए 100 से ज्यादा मैच खेले, तो रॉबिन सिंह बन गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक। एक मैगजीन आती है द बैंकर, द बैंकर ने जो टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड है, सबसे शीर्ष 500 बैंकिंग ब्रांड, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो कौन सा बैंक है जिसकी दुनिया में ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी है? तो याद रखिए, इंडसइंड बैंक वो बैंक है जिसकी ब्रांड वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी है। याद रखिए, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। और दूसरी बात, अगर हम टॉप 50 या टोटल ब्रांड वैल्यू की बात करें तो चाइना रहा नंबर 1 पे, चाइना का स्थान रहा नंबर 1 ब्रांड वैल्यू में, और भारत का स्थान जो है वो है नंबर 8। ठीक है, दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है अमेरिका, पहले पे है चाइना, दूसरे पे है अमेरिका, और फिर कनाडा, यूके, फिर जापान, और इंडिया जो है वो 8वें नंबर पे रहा। एक बात और बता दूं, ये जो मैगजीन है द बैंकर, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्हें सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। किस देश ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ हवाई अड्डों पर भी ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये भारत ने किया है। याद रखिए, ई सिगरेट जो है भारत में हवाई अड्डों पर, चाहे वो अंतर्देशीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में बैन हो गई है। अगर आप ई सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल की कैद हो सकती है, और अगर आप दूसरी बार रिपीट करते हैं ऑफेंस तो फिर 3 साल तक की जेल और 5,00,000 रुपए तक का फाइन आपको हो सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस शहर में ड्रग ट्रैफिकिंग के संयोजन पर 2 दिवसीय बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया था? 2 दिवसीय बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ। इसमें इस बारे में बात की गई कि हम भारत में ड्रग्स को कैसे रोक सकते हैं बिम्स्टेक देशों के सहयोग से। और बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत, यानी 7 देश हैं बिम्स्टेक में। और बिम्स्टेक देशों का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय समूह किसकी अध्यक्षता में गठित किया है? रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर जो एनके सिंह है उनकी अध्यक्षता में एक पैनल बना है। और आपको बता दूं, एनके सिंह जो 15वां वित्त आयोग है उसके चेयरमैन भी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अभी चल रहा है 14वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं वाई वी रेड्डी। और 15वां वित्त आयोग शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा पहला भारत का हॉकी खिलाड़ी जिसे मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है मिस्टर मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह पूरी दुनिया में बेस्ट खिलाड़ी डिक्लेयर किया गया है इस साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के चेयरमैन हैं नरेंद्र बत्रा, भारत के हैं नरेंद्र बत्रा। एक बात और बता दूं, भारतीय हॉकी टीम के जो कोच हैं उनका नाम है ग्रहम रीड। एक खिलाड़ी आपको और याद रखना है और वो है विवेक सागर प्रसाद। क्यों याद रखना है आपको?
क्योंकि विवेक सागर प्रसाद को मिला है FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। मेल राइजिंग स्टार यानी उभरता हुआ खिलाड़ी, दुनिया का सबसे अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी है विवेक सागर प्रसाद और दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। सलेम क्रिकेट फाउंडेशन मैदान, नया क्रिकेट ग्राउंड बनाए सलेम क्रिकेट ग्राउंड, ये कहां पे बनाए? तो सलेम एक इंपॉर्टेंट शहर है तमिलनाडु में, तो आंसर है तमिलनाडु। इसके अलावा अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, वो बन रहा है। 110,000 कैपेसिटी है जिसमें केम छो ट्रंप का आयोजन किया जाएगा। और एक राजकोट में बन रहा है स्टेडियम जिसके ऊपर छत होगी, तो ये भी नए क्रिकेट स्टेडियम भारत में बन रहे हैं। एक बात और बता दूं यहाँ पे, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की जो हेड है उनका नाम है रूपा गुरुनाथ। ये नाम आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भारत में एक ही राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन है जिसकी हेड एक महिला है, वो है रूपा गुरुनाथ। ये एन श्रीनिवासन की बेटी है। वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ICAI का नए अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं अतुल कुमार गुप्ता। नए अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गुप्ता और उपाध्यक्ष बने हैं निहार निरंजन जम्बूसरिया। तो निहार निरंजन जम्बूसरिया बने हैं उपाध्यक्ष और अतुल कुमार गुप्ता बने हैं प्रेसिडेंट। तो आंसर है अतुल कुमार गुप्ता। आर के पचौरी, राजेंद्र पचौरी, इनका निधन हो गया। ये कौन से संस्थान के पूर्व प्रमुख थे? ये टेरी, जिसे बोलते हैं द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर आर के पचौरी। मार्सेलो रबेलो डी सूसा, ये भारत की यात्रा पे हैं, कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? अब ये काफी न्यूज में भी आए थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से जब इन्होंने हाथ मिलाया तो काफी देर तक और काफी गर्म जोशी से मिलाया, तो वो काफी वायरल हो गया था वीडियो। मार्सेलो रबेलो डी सूसा जो है ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। तो ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री हैं और मार्सेलो रबेलो डी सूसा जो है ये राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस न्यायाधिकरण के लंबित मुकदमे को कवर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी? विवाद से विश्वास जो विधेयक लाया गया वो इसलिए लाया गया कि हमारा जो इनकम टैक्स विभाग है यानी डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, उसके जो मामले हैं अदालत में लंबित उनमें कमी की जाए, लिटिगेशन कम किए जाएं डायरेक्ट टैक्स में। तो आंसर है कर्ज वसूली न्यायाधिकरण, कर्ज वसूली न्यायाधिकरण जिसे बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यूनाइटेड किंगडम द्वारा कॉप 26 का अध्यक्ष कौन बनाया गया? ये कॉप 26 होगा ग्लासगो में, ग्लासगो, और ये है स्कॉटलैंड में। तो कॉप 26 जो बैठक है इसके लिए आलोक शर्मा को बनाया गया है अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुक्केबाजी कार्यबल ने 52 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक क्वालिफायर शुरू हो गए हैं, उसके लिए पहली रैंकिंग किसे दी है? पहली रैंकिंग मिली है अभी अमित फंगाल को। अमित फंगाल भारत के मुक्केबाज। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष। एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी थे, अब बन गए राजीव बंसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं राजीव बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची पंच लोह प्रतिमा का अनावरण किया? ये वाराणसी में किया, वाराणसी में किया। और एक बात और याद रखिए, एक है श्री जगद्गुरु, श्री जगद्गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल, श्री जगद्गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल, इनके इस संस्था के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इनका जो समारोह हुआ वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंड किया, याद रखिए। और एक बात और बता दूं, एक ट्रेन चलेगी जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस, इसे चला रहा है IRCTC, महाकाल एक्सप्रेस। ये 3 ज्योतिर्लिंगों को आपस में जोड़ेगी, एक तो है वाराणसी, एक है उज्जैन और एक है ओमकारेश्वर। जो उज्जैन में है इसे महाकालेश्वर बोलते हैं, ओमकारेश्वर, उज्जैन और वाराणसी, तीनों को जोड़ेगी। इस ट्रेन का नाम है महाकाल एक्सप्रेस और ये पहली ओवरनाइट प्राइवेट ट्रेन है भारत की, पहली ओवरनाइट जर्नी प्राइवेट ट्रेन है पूरे भारत की। अभी अभी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स। इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक लिखी है प्रीति के श्रॉफ ने, प्रीति के श्रॉफ। ये किताब किस बारे में है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इस किताब का विमोचन किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष चौहान ने, आशीष चौहान।
केंद्र सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने? पहले थे राजीव कुमार, अब बने हैं देवाशीष पांडा। तो आंसर है देवाशीष पांडा। सो ये था हमारा वीडियो 15 फरवरी का। बहुत जल्दी मिलते हैं 16 फरवरी के वीडियो में। देखते रहिए स्टडी आईक्यू प्रीमियम।